रहमान रहीम, मैं मोहम्मद अमीन देसी किचन के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। मैं आज को जो बता रहा हूँ वो है जी चाट मसाला, पकौड़ियों का मसाला और प्योर मसाला। कुछ मैं जो चीज़ भी आपको बताऊँगा वो मैं प्योर बताऊँगा, दो नंबर चीज़ नहीं होगी और खालस होगी। अच्छा जी, इसमें क्या होगा जी, सबसे पहले आपने आधा पाव लाल मिर्च ले लेनी है और एक बर्तन ले लेना है, उसमें डाल देनी है और आग लगा देनी हल्की सी ना। आधा पाव मिर्च और फ्राई पैन में डाल के आग लगा के एक दो मिनट लगाने के, जब से देखें ना हल्की सी। अच्छा, ये दो चार सेकंड लगे हैं, ये तैयार हो गई है। अब हमने इसको निकाल लेना है, फ्राई पैन फिर रख देना है। उसके अंदर अब क्या डालना है, ये हमने सबसे पहले लेना है गरम मसाला मुकम्मल, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, मुकम्मल सब कुछ है। सूखा धनिया लेना दो चम्मच, एक सफ़ेद ज़ीरा एक चम्मच, हल्की एक चम्मच ले लेनी अजवाइन की हमने, और एक चम्मच हमने लेना सौंफ का, एक इलायची ले लेनी है, और ये भी उस फ्राई पैन के अंदर सारा कुछ हमने ना ये डाल दिया। इससे भी हल्का सा हमने भूनना है, ज़्यादा नहीं, जल ना जाए। हाँ ना, जल गए। अब ये भी हमने निकाल लेना है, सिर्फ इसकी नमी ख़त्म करनी है, थोड़ी सी नमी ख़त्म हो जाए। पर जब नमी ख़त्म हो जाएगी, अब ये गर्म हो गया ना बहुत ज़्यादा, नमी ख़त्म हो गई, ये भी निकाल लेना। ठीक हो गया जी। अब क्या करना जी, हमने ये जो लाल मिर्च है ना, ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, ये जो लाल मिर्च है अब हमने ग्राइंडर में डाल दी है, इसे थोड़ा सा हम चलाएँगे, ज़्यादा नहीं। दो सेकंड चलाया हमने, अब निकाल लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद अमीन देसी किचन के साथ फिर हाजिर हूँ। अच्छा जी, ये हमने मिर्च भी ग्राइंड कर ली है, दूड़ा बना दिया, ज़्यादा बारीक नहीं की, और जो मसाले से सो वो भी ग्राइंड कर लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना, ये आधा चम्मच देसी घी का लेना है, आधा चम्मच, ये आधा चम्मच देसी घी का ये हमने फ्राई पैन में डाल देना है। ये जो चाट मसाला बन रहा है जी, ये प्योर और कोई दो नंबरी वाला काम नहीं होगा, ये अच्छा है और साफ़ सुथरी चीज़ है, ये हमने डाल दिया। अब क्या करना है हमने, ये जो मिर्च है ना ये भी डाल देनी है, और ये मसाला भी इसके साथ, ये पकौड़ियों का चाट ले ये, इसलिए सारी चीज़ों का इस्तेमाल है। अब हमने इसे हलाना है, देर हलाएंगे, जब देखें ना ये खुश्क हो गया, एक दो मिनट नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पाँच सात दस सेकेंड के लिए बहुत है। थोड़ी सी आग तेज़ कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है, थोड़ा सा घी जो है ना ये और डाल देते हैं, तो घी से इसकी ना खुशबू आएगी, जब आप इस्तेमाल करेंगे देसी घी की इसकी अपनी खुशबू आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जी मसाला निकाल लिया मैंने, अब इसमें क्या करना, एक चम्मच आपने सफ़ेद नमक ले लेना और एक चम्मच आपने अम्ब चूर्ण पाउडर, ये दोनों चीज़ें लेके हमने मिक्स कर लेनी है ये, और नमक अम्ब चूर्ण पाउडर जब जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जब ठंडा हो जाए फिर आप 10 मिनट आप देख लें, ठंडा हो जाएगा जब, तो अब आपने ये किसी बर्तन में निकाल लेना जी। जब कभी चाट बनाएं, पल्ले पकौड़ियाँ बनाएं, जो भी कुछ बनाएं आप उसमें डाल सकते हैं, और मुझे याद करना, और अगर ये पसंद आए तो मुझे लाइक करना। बहुत मेहरबानी, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।